वेलकम टू एआर एक्सप्लेन। जैसे कि विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है, जहां दूसरे देश के लोग भारत के स्पेस मिशन का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। बता दें, विक्रम लैंडर चांद के सपाटे पे पहुंच के रोवर प्रज्ञान को भी एक्टिवेट कर दिया है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ये मिशन करीब 14 दिनों तक चलने वाला है। इन 14 दिनों में विक्रम लैंडर पर लगे 4 पेलोड बखूबी से अपना काम करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पेलोड जिसका नाम रंभा रखा है। बेसिकली रंभा चांद की सतह पर प्लाज्मा के घनत्व का पता लगाएगा और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पता लगाएगा। सेकंड पेलोड चेस्टे चांद के टेम्परेचर की जांच करेगा। थर्ड पेलोड का नाम इल्सा है, ये लैंडिंग साइट के करीब सिस्मिटी मापेगा, साथ में चांद के क्रस्ट मेंटल के बारे में जानकारी जुटाएगा। आखिरी पेलोड एरे चांद के डायनामिक्स को समझने में और उस पर रिसर्च करने का काम करेगा। 14 दिन चांद पर रहने के दौरान बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है। अभी देखे जाने वाली बात यह है कि चांद पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और पानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर नहीं, वो भी हमें आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, हमको क्या लगता है इन 14 दिनों में कैसी जानकारी मिल सकती है, आप अपने विचार कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।